पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने क्या करता। ये प्रश्न इसलिए बड़ा है अभय दुबे जी, अब आप आराम से इसका जवाब दीजिए बिना गुस्साए हुए। देखिए जनरल बिपिन रावत की चर्चा आज भी पहाड़ों पर हो रही है और बीजेपी के तमाम नेता वहां पर लोगों को बताते हैं कि ये देव भूमि है, वीर भूमि है, तपो भूमि है। और जो जनरल बिपिन रावत साहब का अपमान करते हैं, जो उनको सड़क का गुंडा ये कहते हैं वो कहते हैं, देखिए शायद आपके किसी एक नेता ने बयान दिया हो। अच्छा और लेकिन वो चुनाव दर चुनाव उत्तराखंड में मुद्दा बनता है क्योंकि सेना के सम्मान उसके शान की बात वहां पर गूंजती है पहाड़ों में। ये आप लोगों के लिए क्या एक प्रॉब्लम एरिया नहीं है? रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। जनरल बिपिन रावत जी का हमारे पहले CDS का इससे बड़ा अपमान हो सकता है? उनके जाने के पहले, उनकी शहादत के पहले का इंटरव्यू देखिए और खासकर प्रधानमंत्री जी आपको देखना चाहिए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो सैनिक समय के पहले रिटायर कर दिए जाते हैं, अर्थात जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो 15-17 साल में रिटायर करके उनको पेंशन थमाते हैं, उस पर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि कठिन क्षेत्रों में 5-7 वर्ष तक सैनिक लड़ता है, जब अच्छा समय आता है तब हम उसको रिटायर कर देते हैं, मैं चाहता हूं कि पूरा समय दिया जाए। ये गड़बड़ है बाबा। तो फिर अग्निवीर की योजना किसके कहने पर लाए? आप तो कहते थे 33 साल से सेना ये विचार कर रही थी। हमारे नरवरे साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा कि सेना खुद चौंक गई थी इस निर्णय से। आजाद भारत के इतिहास में सेना का इससे बड़ा उपहास और कोई नहीं उड़ाया गया जो आपने। प्रधानमंत्री जी हमारे 2047 तक सत्ता चाहते हैं, मतलब 25-30 साल आप राज करें और 4 साल में रिटायर कर देंगे जवान को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अनाउट पर्पल वाटर। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। शर्म करो। इससे बड़ा बिपिन रावत साहब का अपमान कुछ नहीं हो सकता। पूरा उत्तराखंड इसका बदला लेगा और उत्तराखंड वो देवभूमि भी है और वो भारत माँ की अस्मिता की रक्षा करने वाली भूमि भी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब इसका क्या, क्योंकि ये तो कोर एजेंडा है बीजेपी का। विश्व गुरु है हम, कोविड के वक्त हमने अन्य देशों की मदद की, और विश्व में हमारी धमक है, और बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं बराबरी से, अब आंखें में आंख डालकर भी भारत बात करता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कठोर बात और नहीं हो सकती कि आप सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की इस बात के लिए क्रेडिट दीजिए कि उनकी वजह से भारत का सम्मान बढ़ा। क्या मनमोहन सिंह की वजह से सम्मान नहीं बढ़ा? क्या नेहरू की वजह से भारत का सम्मान नहीं बढ़ा? इंदिरा गांधी की वजह से भारत का सम्मान नहीं बढ़ा? वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने 1971 पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए, आप उसकी बात नहीं करते? उन्होंने सिक्किम जैसे देश को भारत भारत में मिला दिया था, क्या उसकी बात नहीं करते? हर प्रधानमंत्री का अपना कंट्रीब्यूशन होता है और हर प्रधानमंत्री के कंट्रीब्यूशन को याद करना चाहिए। मुझे तो अच्छी तरीके से याद है कि कम से कम 2 ऐसे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज बुश, जो कहते थे व्हेन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह स्पीक्स द होल वर्ल्ड लिसंस। मजा आया, बात तो सही है। इससे बड़ा बड़ी बात क्या होगी? हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत का मान दुनिया में बढ़ता है और भारत के प्रधानमंत्री का मान बढ़ता है तो हमारा भी मान बढ़ता है। लेकिन सिर्फ एक आदमी को सारा क्रेडिट दे देना और बाकी लोगों को आप डिस्क्रेडिट कर दे और बता दे सब इनकी वजह से हो रहा है। आप चीन आज आपकी जमीन के अंदर बैठा हुआ है, क्या भारत का मान बढ़ गया? क्या आप बोल खत्म।